अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हमारा खाना लकड़ियों पे पक रहा है क्योंकि गैस नहीं आ रहा है और इतनी मुश्किल से आग जलाई है और धुआं इतना आ रहा है। आज मैं बना रही हूँ कीमा और मटर, पहली दफ़ा लकड़ियों पे पका रही हूँ तो पूरी आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाती हूँ। आज मेरी हेल्प कर रहा है, लकड़ियाँ तोड़ के दे रहा है मुझे। याद का दोस्त है अबू बकर। ये देखिए हमारे प्याज, अब शुक्र है आग जली है। कब से कोशिश कर रहे थे आग जलाने की, तो बस घी में हमने प्याज ब्राउन करने हैं, उसके बाद फिर अदरक लहसुन डालती हूँ। चलो प्याज ब्राउन हो गए तो मैं करती हूँ ये अदरक लहसुन। अदरक लहसुन पीस कर उसमें थोड़ा सा पानी डाला था और टमाटर भी इसमें काटे हुए हैं। सूखा धनिया और हल्दी डाल दिया, अब नमक ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं बस चल। मैं कभी कभी बनाती हूँ ना तो मुझे जरा अंदाजा सही नहीं आता। ओए होए, बड़ा जहरीला धुआं है। हाफ चम्मच। हाँ बस चल। अब जब तक टमाटर घुल जाएंगे ना फिर इसमें डालेंगे वो क्या कहते हैं, टमाटर हमारे घुल गए हैं। अब पहले वो कीमा है जो इसको भून लेते हैं। ना सुबह को होता है ना शाम को होता है, दोपहर को भी नहीं होता, किसी टाइम भी नहीं आता। गर्मियों में बिजली नहीं होती और सर्दियों में गैस की जरूरत होती है तो गैस नहीं होता। अब इसमें थोड़ी सी दही भी डाल देते हैं, जरा अच्छा जायका हो जाएगा खट्टा। दही का जो पानी निकला था और बस एक कप पानी और डाला था इसमें तो गोश्त गल गया है। कि हाँ हल्का हल्का पानी अभी खड़ा है, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए ना तो फिर इसको भोनी लगाते हैं, फिर डालेंगे सब्जी मटर। अब पानी खुश्क हो गया, जैसे निकल आया मटर डालते हैं। आप ये हरी मिर्च इतनी बड़ी बड़ी, अब इसको भूनेंगे, मटर के गलने का इंतजार करेंगे। बस अब थोड़ी सी देर बाकी है फिर सालन हमारा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालें ताकि मटर जो है ना वो गल जाए। मटर हमारे बस गल चुके हैं और ये देखें सालन भी तैयार है माशाल्लाह से। और हल्का हल्का हम इसमें रहने देंगे रस मसाला क्योंकि बिल्कुल खुश्क नहीं बनाएंगे। बस अब उतारते हैं, फिर इसमें गरम मसाला पिसा हुआ वो डालते हैं और फिर अम्मी की बारी आएगी रोटी बनाने की।
ये हमारे पिछले साल हमारी चारपाई जो है ना ख़राब हो गई थी, तो ये देखे हमने पूरी चारपाई को जला दी। फालतू थी ना। अभी देखें और भी लकड़ियां पड़ी हैं, ये भी काम आ जाएंगी। अब अफराद हम थोड़े हैं तो चारपाइयाँ इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वैसे भी अब सोच रहे हैं कि जो दूसरी चारपाई है वो भी लोहे की ही ले लें, तो ये लकड़ी वाली चारपाइयाँ बस अब ख़त्म कर रहे हैं। अभी तवा जरा सही गर्म नहीं हुआ ना। चलो जी खाना हमारा बन गया, रोटी भी बन गई है, तो अब हम आ गए हैं अंदर। खाना हम अंदर ही खाएंगे क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला है, बाहर सर्दी भी हो गई है, होने वाली है। पहले एक रोटी निकाल लेते हैं कि फिर सारी रोटियां फिर ठंडी ना हो जाए। अम्मी अभी वीडियो बना रही है इसलिए अम्मी हमारे साथ अम्मी नहीं बैठी, वरना हम मिलके खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ो आहर। बाल देखो किए हुए, बाल तो ऊपर कर लो। चले हम खाना खा लें, फिर मिलते हैं आप।